हेलो बच्चों, मिसलेनियस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी में हम लोग आगे निकलते हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं, हमें आराम से पढ़ना है। फिलहाल अभी हमने बताया पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 8 मिसलेनियस का। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो आप लोग खुद से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट, ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, बेस ये रहा रेक्टेंगुलर, नाम चाहे तो आप दे सकते हैं। बेस है इसका ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। साइड्स इसके 4 हो गए, एक ऐसा ही पीछे वाला, सामने और बैक वाला। तो ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ, छत नहीं है, छत खुला हुआ है। कंस्ट्रक्टेड सो ए डेप्थ इज 2 मीटर, ये इसका डेप्थ है, इसको मान लिया 2 मीटर, माना नहीं, ये गिवेन है। वॉल्यूम इसका 8, वॉल्यूम इसका 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर ऑफ फॉर द बेस, बेस का कॉस्ट बनाने का आ रहा है ₹70 पर स्क्वायर मीटर। बेस का कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर। एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर ऑफ साइड, साइड को बनाने खर्चा रहा है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगा टैंक बनाने का, सो पूछ रहा है। चलिए देखा जाए। सबसे पहले इसके बेस का एक साइड को एक्स मीटर माना, अगला साइड वाई, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, एक्स इंटू वाई इंटू 2 बराबर 8, एक्स इंटू वाई बराबर 4, तो वाई बराबर हो जाएगा 4 बाई एक्स। दोनों को इक्वेशन 1 मान लिया, पता नहीं किसका कहां यूज पड़ जाए। अब एरिया ऑफ बेस एक्स इंटू वाई, फिजिकल टू 4, क्योंकि एक्स वाई का मान मेरे पास 4 दे रहा है, मीटर स्क्वायर, मीटर है 4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल्स, साइड्स, सोचो
ये वाला साइड हमारे पास दो ठो है, एक इधर एक पीछे। इस साइड का एरिया हो जाएगा 2 into y लेंथ ब्रेथ। और सामने वाला एरिया हो जाएगा वही हाइट 2 और x 2x। ये डबल है, एक आगे एक पीछे, यह भी डबल यानी होल इंटू टू। ये हमारा साइड का एरिया हुआ, साइड का एरिया। इससे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 2 निकल जाएगा बाहर, 2 आ गया बाहर, y की जगह यहां से 4 by x। मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ साइड्स। ये हुआ बेस का एरिया, ये साइड का एरिया। हमें क्वेश्चन में निकालना है लीस्ट एक्सपेंशन एक्सपेंसिव, यानी मिनिमम कॉस्ट। लेट एस बराबर कॉस्ट यानी एक्सपेंसिव एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस माना यानी कॉस्ट। जो क्वेश्चन वही लिख देते हैं, एक्सपेंस है। अब मिनिमम या मैक्सिमम वो तो बाद में रहेगा। तो कॉस्ट जो हमारा है एस, बेस का कॉस्ट क्वेश्चन में दे रहा है 70 रुपी पर स्क्वायर मीटर। बेस का एरिया 4। वॉल का कॉस्ट दे रहा है 45 रुपी पर स्क्वायर मीटर। तो वॉल का कॉस्ट, वॉल का एरिया यह है 45 into यह वाला, यह कॉस्ट हो गया। कैसे निकला कॉस्ट हमारे आप लोग? कॉस्ट के लिए बेस को बनाने का खर्चा, बेस के एरिया में बेस का बनाने का खर्चा 70 रुपया से गुना कर दिया, और दीवार का एरिया, चारों दीवार का खर्च बनाने का खर्चा 45 रुपी पर स्क्वायर मीटर। तो चारों दीवार के एरिया से 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से आगे 7 * 28 + 180 * 4 / x + x इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी में हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा जो डालना है। अब ds / dx यह 0 हो जाएगा, 180 यहां हो जाएगा -4 / x² + 1। और मिनिमा या मैक्सिमा यह बराबर 0 करेंगे तो यहां 0 करने पर यानी 0 बराबर हो जाएगा -4 / x² + 1। इट मींस इस फोटो को मिटा देते हैं, नो नीड ऑफ फोटो। यहां के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 4 / x² = 1 यानी x² = 4। तो x का मान क्या निकला? +-2। अब माइनस में तो एक्स यानी लेंथ हो नहीं सकता, तो यानी पॉजिटिव रहेगा। फिर भी पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, 180 यहां हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कितना? 8 / x³ = 1। अब हमें निकालना है क्या? मिनिमम कॉस्ट। तो एट x = 2
यहाँ पर दो रखने पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, इसलिए यह जो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम एक्सपेंस निकालने के लिए इस एक्सपेंस में एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, चल यहां रख देते हैं 280 प्लस 4/2 प्लस 2, अब जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 280 प्लस 180, 280 प्लस, सही है, जो आएगा वही हमारा रुपया में आंसर आ जाएगा, ये हमारा ही सवाल रहा। ठीक, तो कैसे बना सवाल देख लिया, अब हम लोग एक और क्वेश्चन पर आते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम उसको अभी नहीं बताएंगे, उसको हम बाद में बताते हैं, उसी के साथ हम बताएंगे पिछले एक्सरसाइज का एक और सवाल, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों में से कोई एक बताएंगे। फिलहाल नंबर 11, नंबर 11 आते हैं, हम मिटाते हैं, तब तक आप 11 नंबर खुद से पढ़िए। हम इसे मिटाते हैं तब तक 11 नंबर खुद से पढ़िए। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, आइए देखते हैं 11 नंबर। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, यानी यह सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ये लाइन इमेजिन कर लिए, एक्चुअली में ये कोई है नहीं, बस डॉटेड लाइन का मतलब इमेजिन किया जाता है कि ये लाइन है, मतलब हकीकत में नहीं रहता है, क्योंकि विंडो का ये पार्ट है ही नहीं, विंडो पूरा है। अब आगे क्वेश्चन पूरा सुन लिया जाए। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर, अब इसकी चर्चा बाद में, पहले हम लोग इस सबका कुछ नामकरण करना है कर लें। ए बी सी डी, ये सेंटर, इस पूरे साइड को हम लोगों ने 2x लिया, इस साइड को हम लोगों ने y लिया, अब इसे 2x क्यों माना, ये कुछ भी माने, इसलिए क्योंकि यह सेंटर को y मान लेते हैं तो इसका आधा यहां हो जाएगा x, और नहीं तो x मानने पर आधा हो जाएगा x/2, तो x/2 में थोड़ा डिफरेंशिएशन में सरदर्द रहता है, सरदर्द नहीं पालना चाहिए। अब बेटा p यानी पेरीमीटर की चर्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका
पेरीमीटर कितना दिया हुआ है तुमको? 10। तो इस पेरीमीटर में तुम्हारे पास ये वाला नहीं है, यहां से शुरू होता है और ये वाला है, यानी 2xy y 2y प्लस यह सेमी सर्किल जिसका रेडियस हो गया x, 2x यह लेंथ, yy 2y प्लस आधा पेरीमीटर पूरा हो जाएगा 2πr, आधा πr रेडियस इसका x, दिस इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 10 मीटर है अपना, यूनिट दे लीजिएगा, यूनिट देना है पहले समझिए। एक विंडो है, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, देख लिया 10 मीटर पेरीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, हमें विंडो की डायमेंशन चाहिए, मींस लेंथ और ब्रेथ, और वही हो जाएगा इसका आधा रेडियस, एक्स और वाई चाहिए। फाइंड डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, इसके अंदर सब मैक्सिमम लाइट निकलना है, तो फॉर मैक्सिमम लाइट एरिया इज मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम लाइट के लिए मैक्सिमम लाइट कब माना जाएगा? जब हमको एरिया मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम लाइट ही ना है। मैक्सिमम लाइट के लिए एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। अब इसका एरिया लिखा जाए, ए फॉर एरिया, ऐसे ए यहां नाम दे दिए उचित नहीं है, एस दे दिए, एस एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो, ठीक है। अब विंडो का एरिया के लिए पहले रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, 2x इंटू वाई प्लस सेमी सर्किल, पूरा सर्किल पाई एक्स स्क्वायर, सेमी सर्किल पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, रेडियस हो गया आर। अब बेटा यहां से हमें एक वेरिएबल हटाना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इफ एस इज मैक्सिमम, इफ एस इज मैक्सिमम यानी एरिया इज मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम चाहिए, फाइंड लेंथ और डायमेंशन यानी 2x एंड y, l इंटू b निकालना है, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हमें यहां से एक वेरिएबल हटाना होगा, y हटाते हैं, x दो जगह हटाना होगा, यहां से 2y फ्रॉम 1, 2y बराबर 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, यहां ऑलरेडी 2y हमारे पास मौजूद है, 2y एक्स 2y की जगह यह सिस्टम, अब प्लस ये वाला रह गया, ब्रैकेट तोड़ो, एस बराबर 10x 2x स्क्वायर प्लस ये वाला इसे माइनस हो जाएगा,
अब यहीं से हमें डिफरेंशिएट करेंगे, 10 माइनस यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ds बाई dx बराबर जीरो, x को इधर ले आते हैं तो यहां से हमारे पास x बराबर क्या निकल जाएगा। अब यही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा रहा या मैक्सिमा। अब इसको जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे यह जीरो हो जाएगा, माइनस फोर माइनस फाइव, ये तो ऐसा ही निगेटिव है, लिख दीजिएगा डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, देयरफॉर दिस इज पॉइंट ऑफ क्या चीज, नो टेंशन, जो निकालना है मैक्सिमा क्योंकि डबल निगेटिव है। अब हमें निकालना है 2x, तो हमारे पास 2x क्या रह जाएगा, लिखना पड़ेगा एट x बराबर 10 बाई 4 पाई डबल इज निगेटिव, देयर फोर x बराबर 10 प्लस बाई 4 प्लस पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब निकालना है 2x, इसमें 2 से इंटू कर देंगे, लेंथ निकल गया। अब विड्थ यानी वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स का मान रख देंगे, एक्स का मान रखने पर जो आएगा वही हमारा वाई हो जा रहा है, एक काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक और क्वेश्चन इसमें आपको हिंट देते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। हिंट देते हैं, मौका देंगे बनाने का, बताएंगे इसको। एक रहा, दो, चाहे एक हल्का क्वेश्चन देख लो उसको छोड़ दो, यानी क्वेश्चन नंबर ये 12 बाद में बताते हैं, पहले 13 देख लीजिए। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में पॉइंट निकालना है, हमको दे रहा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू टू दी पावर फोर एक्स प्लस वन का पावर क्यू, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसा सवाल है। किताब आपके सामने होगा, देख लीजिए क्या क्या निकालना है, फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कुछ भी करने के पहले हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन में u इंटू भी पर इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू में प्लस इसका हो जाएगा 4 इंटू में, यहां से कुछ बाहर निकलेगा क्या चीज, x माइनस टू में छोटा पावर 3 है, x प्लस वन में छोटा पावर 2 है, यहां बचेगा 3 इंटू में x माइनस टू, यहां बचेगा 4 इंटू में x प्लस वन। अब यहां से
ये हमारा x माइनस टू की पावर क्यू, यहाँ x प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4x यानी 7x और माइनस 6 प्लस 4 यानी माइनस 2, माइनस 3x 4x 7x माइनस 6 प्लस 4। ठीक, अब हम लोग जो पॉइंट निकालते हैं जिसको हम बोले हुए हैं कुछ लोगों को याद नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी यह कब जीरो होता है x बराबर 2 पर माइनस 1 पर 2 बाई 7 पर। अब हम लोग यहां से लगाएंगे क्या चीज, पॉइंट ऑफ सॉरी साइन स्कीम। साइन स्कीम में सीरियल ऑर्डर में सबसे पहले माइनस 1, उसके बाद 2 बाई 7, फिर क्या है 2। वेवी कर्व याद करिए, साइन स्कीम, जिस पॉइंट का पावर इवन हो वहां साइन नहीं बदलता है, प्लस माइनस प्लस यहां भी प्लस रह जाएगा। तो कहानी याद करिए, जिस पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव हो राइट में निगेटिव हो वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जिसके लेफ्ट में निगेटिव राइट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जिस पॉइंट पर साइन चेंज न करे वह नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब ये रहा हमें क्वेश्चन नंबर 13, इसका मतलब यह रहा हमें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2 बाई 7, पॉइंट ऑफ मिनिमा 2 एंड x बराबर माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो हम थ्योरी बताए थे। जिस पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, जी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जहां पर साइन कोई नहीं बदल रहा है वहां कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर। तो लिख लेंगे व्हाट इज लोकल मैक्सिमा 2 बाई 7, व्हाट इज लोकल मिनिमा 2 एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माइनस 1। तो ये आपकी कहानी हुई। अब फिर हम कुछ और क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में आते हैं, तब तक आप लोग इसको प्रेम पूर्वक देखें, समझें और पढ़ें। धन्यवाद।